राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर और आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय पटना में आज नवाचारों को लेकर एमओयू हुआ। एमओयू के तहत आयुर्वेद भस्म पर नैनो साइंस एवं नैनो पार्टिकल्स के क्षेत्र में शोध कार्य किया जाएगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि यह एमओयू आयुर्वेद के लिए एक वैज्ञानिक प्रमाण है, इसे जनरेट करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना बिहार के साथ एक समझौता हुआ है। ये समझौता यानी एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो आपस में सामंजस्य है और वैज्ञानिक शोध करने के लिए दोनों संस्थानों ने किया है। क्योंकि जैसा कि सभी को विदित है, आयुर्वेद एक भारतीय ज्ञान परंपरा है और यहाँ एक विजडम, सोर्स ऑफ विजडम है। जबकि जो ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय है, ये एक आधुनिक ज्ञान से ओतप्रोत विश्वविद्यालय है और यहाँ कई तरह के संकाय वहाँ पर हैं और उन्हीं के माध्यम से विशेष करके जो नैनो साइंस और नैनो पार्टिकल्स के ऊपर हम उनके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त दूसरे जो क्षेत्र हैं उनमें भी हम काम करने के इच्छुक हैं। दो संस्थानों के, इम्पोर्टेंट संस्थानों के साथ आने से बहुत सी नई जो संभावनाएं हैं उस पर काम किया जाएगा और उससे नई खोजें और नई जानकारियां हम डेवलप करने की दिशा में आगे बढ़ें।